वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पार्ट 24 औद्योगिक विकास। प्राकृतिक संसाधनों को संदर्भित करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं में बदलना विनिर्माण कहलाता है। ये विनिर्माण विनिर्मित वस्तुएं कच्चे माल से तैयार की जाती हैं। विनिर्माण उद्योग में उपयुक्त होने वाले कच्चे माल या तो अपने प्राकृतिक स्वरूप में सीधे उपयोग में ले लिए जाते हैं, जैसे कपास, ऊन, लोह, असक्के इत्यादि, अथवा अर्धशोषित स्वरूप में जैसे धागा, कच्चा लोहा आदि। इन्हें उद्योग में उपयुक्त करके और अधिक उपयोगी एवं मूल्य वस्तुओं के रूप में बदला जाता है। अंत किसी विनिर्माण उद्योग से विनिर्मित वस्तुएं दूसरे विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल का कार्य करती है। अब यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति तथा विकास उसके अपने उद्योग के विकास के बिना संभव नहीं है। औद्योगिक विकास के संदर्भ में किसी देश की आर्थिक संपन्नता से सीधा संबंध है। विकसित देशों से जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस की आर्थिक संपन्नता इन देशों की औद्योगिक इकाइयों की पुनोन्नत एवं उच्च विकास युक्त वृद्धि से जुड़ा है। औद्योगिक दृष्टि से अविकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों को का निर्यात करते हैं तथा विनिर्माण वस्तुओं को अधिक मूल्य चुकाकर आयात करते हैं। इसलिए आर्थिक रूप से ये देश पिछड़े बने रहते हैं। भारत में विनिर्माण उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान है। इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा करीब 280 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि निर्माण उद्योग राष्ट्रीय आयात तथा रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम भारत के विकसित विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योग और वर्गीकरण तथा उसके क्षेत्रीय विस्तार का अध्ययन करेंगे। उद्योग इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप भारत में विनिर्माण उद्योगों के ऐतिहासिक विकास को जान सकेंगे। हमारे देश के आर्थिक विकास से प्रगति में इन औद्योगिक इकाइयों के योगदान को समझ सकेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकेंगे। औद्योगिक विकास का संबंध किसी खनिज तथा ऊर्जा के साथ स्थापित कर सकेंगे। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कर सकेंगे। कुछ प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों तथा खनिज आधारित उद्योगों के स्थानीय वितरण का वर्णन कर सकेंगे। भारत के मानचित्र पर कुछ चुने हुए उद्योगों की अवस्थितियों को दर्शा सकेंगे और उनकी पहचान कर सकेंगे। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न नीतियों के योगदान को समझ सकेंगे। औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय विकास के बीच संबंध स्थापित कर सकेंगे। स्थान विशेष पर स्थापित उद्योगों के विकास एवं वृद्धि पर आधारित उदारीकरण के प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। औद्योगिक विकास के पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे। आधुनिक उद्योगों का सरसित इतिहास। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1954 से हुआ। इसे कारखाने की स्थापना में भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंधन ही मुख्य था। जूट उद्योग का आरंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में जूट मिल की स्थापना से हुआ, जिससे पूंजी एवं प्रबंधन नियंत्रण दोनों विदेशी थे। कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम रानीगंज पश्चिमी बंगाल 1772 में शुरू हुआ। प्रथम रेलगाड़ी का आरंभ 1884 में हुआ। टाटा लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित सन 1907 में स्थापित किया गया। इसके बाद कई मंझले तथा छोटी औद्योगिक इकाइयों जैसे सीमेंट, कांच, साबुन, रासायनिक, जूट, चीनी तथा कागज इत्यादि की स्थापना की गई। स्वतंत्रता पूर्ण औद्योगिक उत्पादन ना तो पर्याप्त थे और ना ही उसमें विभिन्नता थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था विकसित थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक था।
तथा देश की अधिकांश निर्यात से आया कृषि से ही थी। स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद भारत ने अब अग्रणी आर्थिक शक्ति बनने के संकेत दिए। भारत में औद्योगिक विकास को दो चरणों में विघत किया जा सकता है। प्रथम चरण 1987-80 के दौरान भारत सरकार ने क्रमिक रूप से अपना नियंत्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ाया। द्वितीय चरण 1990-97 में विभिन्न उपायों द्वारा 1970-92 के बीच अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया। इन उपायों द्वारा उदारीकरण तत्कालीन एवं अस्थायी रूप से लिया गया था। अंत 1992 के पश्चात उदारीकरण की प्रक्रिया अब जोर दिया गया तथा उपक्रमों की प्राकृतिक एवं मौलिक भिन्नता भी लाई गई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अभिसित व्यवस्थित रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत औद्योगिक योजनाओं को समाहित करते हुए कार्यान्वित किया गया और परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में भारी और मध्यम प्रकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। देश की औद्योगिक विकास नीति में अधिक ध्यान देश में व्यक्त क्षेत्रीय असमानता एवं असंतुलन को हटाने केंद्रित किया गया था और विविधता को भी स्थान दिया गया। औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों की क्षमता को प्रोत्साहित कर विकसित किया गया। इन्हीं सब प्रयासों के कारण भारत आज विभिन्न के क्षेत्र में विकास कर पा रहा है। आज हम बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात विभिन्न देशों को करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। विभिन्न लक्षणों के आधार पर उद्योगों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु निम्न सारणी में उद्योगों को 5 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सारणी 24.1 उद्योगों का वर्गीकरण। क्रम आधार उद्योगों के प्रकार, प्रमुख विशेषताएं, उदाहरण कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, कृषि उत्पादन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, सूती वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग, चीनी शक्कर उद्योग एवं कागज उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, लोहे और इस्पात, रासायनिक एवं सीमेंट उद्योग। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, स्वामित्व नियंत्रण एवं प्रबंधन सरकार द्वारा, भोको लोहे एवं इस्पात नियंत्रण रजन, लोकोमोटिव जिन निजी क्षेत्र, स्वामित्व नियंत्रण एवं प्रबंधन किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कंपनी के रूप में, टाटा लोह एवं इस्पात नियंत्रण, जे के सीमेंट, ओपोल टायर्स, मारुति उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक निजी क्षेत्र स्वामित्व, इसका है मारुति उद्योग। सहकारी क्षेत्र, कच्चे माल के उत्पादनों द्वारा सहकारी समिति बनाकर स्थापित उद्योग, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग अमूल, गुजरात और इतफुको कोदला। प्रमुख कार्य आधारभूत उद्योगों द्वारा निर्मित उद्योगों को दूसरे अन्य उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग करना, लोहा और इस्पात उद्योग, पेट्रोल रासायनिक उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, इन उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादनों का सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाना, टूथपेस्ट, साबुन, चीनी उद्योग। उद्योग के आकार के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योग, अधिक पूंजी निवेश, भारी मशीनरी, कारीगरों की अधिक संख्या, विशाल नियंत्रण, 24 घंटे अवरत कार्य। लोह और इस्पात उद्योग, तेल शोधक नियंत्रण, छोटे पैमाने के उद्योग, कम पूंजी निवेश, छोटे स्तर के संयंत्र, कारीगरों एवं कार्यशील मजदूरों की थोड़ी संख्या। साइकिल उद्योग, बिजली सामान बनाने वाले उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, परिवार के सदस्यों का स्वामित्व, छोटी मशीनें जिन्हें घर पर ही संचालित किया जा सके, आभूषण निर्माण,
हस्तशिल्प, दस्तकारी, कलात्मक वस्तुएं, कच्चे माल तथा तैयार माल के भार के आधार पर भारी उद्योग, कच्चे माल तथा विनिर्मित माल दोनों भारी रकम तथा आकार में बड़े, परिवहन में काफ़ी लागत, लोहा व इस्पात भारत हाईवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, हरिद्वार जनरेटर जैसे भारी बिजली उत्पादन, हल्के उद्योग, कच्चे माल तथा उत्पादन दोनों वजन में, हल्के परिवहन में लागत, घड़िया सीले सिलाए वस्त्र निर्माण, खिलौने पाउडेंट पैन उद्योग। यह आवश्यकता नहीं कि कोई एक उद्योग एक ही श्रेणी में शामिल होता हो। वर्गीकरण के आधार पर एक ही उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योगों का उदाहरण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर बेकरो लोहे एवं इस्पात नियंत्रण खनिज आधारित उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र का भी उद्योग है तथा एक आधारभूत उद्योग है। यह बड़े पैमाने का उद्योग है तथा यह भारी उद्योग का भी उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र, चीनी, कागज एवं वनस्पति तेल उद्योग इत्यादि कृषि उपज पर आधारित उद्योग। ये उद्योग कृषि उत्पादनों को अपने कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। संगठित उद्योग क्षेत्र में वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। इसके अंतर्गत सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, किस्म रेशम वाले वस्त्र, जूट आते हैं। कपड़ा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक है। कुछ औद्योगिक उत्पादन का पाँचवा हिस्सा वस्त्र उद्योग उत्पादन का है तथा विदेशी मुद्रा अर्जन में इसका एक तिहाई योगदान है। रोजगार उपलब्ध कराने में कृषि क्षेत्र के बाद इसी का स्थान है। सूती कपड़ा उद्योग, भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ 1954 में मुंबई में आधुनिक सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना से हुआ। अब तब से यह उद्योग उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। वर्ष 1952 में इसकी कुल 378 औद्योगिक इकाई थी जो मार्च में 1998 में बढ़कर 1998 हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। देश की कुल औद्योगिक श्रमिक संख्या का 1/5 हिस्सा कपड़ा उद्योग क्षेत्र में लगा हुआ है। उत्पादन निर्माण उद्योग के तीन क्षेत्र हैं, कपड़ा मिल क्षेत्र, हैंडलूम हथकरघा एवं पावरलूम। सन 1998-99 में कुल सूती वस्त्र उत्पादन के बड़े कारखानों हैंडलूम तथा पावरलूम का भाग 5.4%, 20.6% तथा 74% था। सन 1950-51 में सूती वस्त्रों का उत्पादन 421 करोड़ वर्ग मीटर था जो 1998-99 में बढ़कर 1794.9 करोड़ वर्ग मीटर तक पहुंच गया। सूती धागे एवं कृत्रिम धागों पर आधारित वस्त्र उद्योग ने जबरदस्त उन्नति की है। दोनों प्रकार के धागों से निर्मित कपड़े के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1960-61 में केवल 15 मीटर थी, 1995-96 में बढ़कर 28 मीटर प्रति व्यक्ति हो गई। परिणाम स्वरूप सूती धागों का, सूती वस्त्रों एवं कृषि धागों से निर्मित वस्त्रों का बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगा। इसके निर्यात से हमने सन 1995-96 में $2.6 अरब की विदेशी मुद्रा अर्जित की। वितरण, सूती वस्त्र उद्योग क्षेत्र देश के सभी मार्गों भागों में फैला हुआ। इस उद्योग के कारखाने भारत के विभिन्न भागों में 88 से अधिक केंद्रों में अवस्थित है, परंतु अधिकतर सूती वस्त्रों के कारखाने आज भी उन क्षेत्रों में ही है जहां कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। ये क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदानी क्षेत्र तथा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भागों में स्थित है। भारत वस्त्र उद्योग के केंद्र, ये देख सकते हैं जहाँ डॉट 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 लगे हुए हैं। चित्र 24.1
भारत में सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें डॉट डॉट लगे उसमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। मुंबई सूती कपड़ों के कारखानों का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि लगभग धागे सूती कपड़े निर्माण करने के कारखानों मुंबई में स्थित हैं, इसलिए मुंबई को टाउन पोलिस ठीक ही कहा गया है। सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद तथा जलगांव इत्यादि शहर भी महाराष्ट्र राज्य के सूती कपड़े निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान हैं। सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात का देश में दूसरा स्थान है। अहमदाबाद इस राज्य का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, भावनगर तथा राजकोट राज्य अन्य केंद्र है। तमिलनाडु दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उत्पादन एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। क्यूमटूरर इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसके अलावा तिरुनवेली, चेन्नई, मदुरे, तिरुचन्नापल्ली, सालेम तथा तंजोर राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक राज्य में सूती वस्त्र उद्योग बेंगलुरु, मैसूर, बेलगाम और बुजुर्गवर्गा नगरों में केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग कानपुर, इटावा, मोतीनगर, बनारसी, हाथरस शहरों में केंद्रित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग इंदौर के ग्वालियर शहरों में केंद्रित है। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत हावड़ा, सीरमपुर, मुर्शिदाबाद इसे बड़े शहरों में सूती वस्त्र उद्योग स्थित हैं। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन में योगदान देते हैं। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्रित होने के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। पूंजी की उपलब्धता, पूंजी निवेश के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे स्थान जहाँ आसानी से उद्योग में पूंजी लगाने की सुविधा उपलब्ध है। परिवहन के साधन, यहाँ क्षेत्र देश के अन्य भागों से सड़कें और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उत्पादित वस्तुओं का परिवहन आसान है। बाजार की निकटता, वस्त्र उत्पादनों को बेचने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। विकसित परिवहन के संसाधनों द्वारा वस्त्र उत्पादन को देश के अन्य बाजारों ये विदेशी बाजारों तक भेजने में आसानी रहती है। आजकल सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रन के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। पतनों की निकटता, मुंबई पतन द्वारा विदेशी और मशीनरी तथा अच्छी किस्म की कपास को आयात करने और तैयार माल को निर्यात करने में आसानी रहती है। सस्ते श्रमिक, सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऊर्जा की उपलब्धता, यहाँ सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। चीनी उद्योग, भारत के कृषि आधारित उद्योग में चीनी उद्योग का दूसरा स्थान है। अगर हम गुड़, खांडसारी और चीनी तीनों के उत्पादन को जोड़कर देखें तो भारत विश्व में चीनी उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा। सन 2003 में हमारे देश में लगभग 453 चीनी के कारखाने थे। इस उद्योग में लगभग 2.5 लाख लोग लगे हुए हैं। उत्पादन, चीनी उत्पादन का सीधा संबंध गन्ने से उत्पादन से है। चीनी के उत्पादन में उतार चढ़ाव गन्ने के उत्पादन के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। सन 1950-51 में चीनी का कुल उत्पादन 11.3 लाख टन था। 2002-3 में यह बढ़कर 2002-3 में यह बढ़कर 232 लाख टन हो गया, परंतु 2003-4 में यह घटकर 138 लाख टन रह गया। वितरण, चीनी के अधिकांश कारखाने 6 राज्यों में ही केंद्रित हैं। ये राज्य है उत्तर
प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर चीनी के कारखाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और बुंदेलशहर जिलों के केंद्रित, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, बस्ती, गोड़ा और गोरखपुर जिले चीनी उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र यहाँ, लेकिन ये राज्य 2003-04 में भारत के कुल चीनी उत्पादन का केवल 1/3 भाग का ही उत्पादन कर सका। यहाँ पर गन्ने के प्रति हेक्टर उत्पादन कम और गन्ने में चीनी का अंश भी कम है। महाराष्ट्र में पर्यायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादन राज्य है। यहाँ चीनी का उत्पादन देश के सकल उत्पादन के 1/4 अंश के बराबर होता है। महाराष्ट्र राज्य में चीनी उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र नासिक, पुणे, संतरा, सतरा, संगली, गोरखपुर और सोलापुर है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी ये पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम, निजामबाद, मेडक एवं चित्तूर जिले इस राज्य के चीनी उत्पादन में केंद्र है। तमिलनाडु इस राज्य के उत्तरी, दक्षिणी, आरकोट, बुंदेल, कोम्यूटर और तिरुचिरापल्ला चीनी उत्पादन के महत्वपूर्ण जिले हैं। कर्नाटक ये भी एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादन राज्य है। इस राज्य के बेलग्राम, मीडिया, बीजापुर, बेलारी, शिमोगा तथा चित्रकूट जिले चीनी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और राजस्थान के अन्य राज्य हैं या चीनी अवस्थित हैं। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के निम्न कारण। चीनी निर्माण में गन्ना ही प्रमुख कच्चा माल होता है। अंत चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादन क्षेत्र में ही हो सकती है। गन्ने की फसल काटने के बाद ना तो गोदामों में रखी जा सकती है और ना ही उसे काटने के बाद खेत में अधिक समय तक छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वह जल्दी से सूखने लगते हैं। इसलिए फसलों की कटाई के बाद गन्ने को तुरंत चीनी मिलों को भेजना आवश्यक है। गन्ने का परिवहन भी महंगा होता है। आमतौर पर गन्नों को बैलगाड़ियों में लादकर सीमा पस्त चीनी मिल को भेजा जाता है। इसमें सामान्य 25-30 की भी तक की दूरी तय की जा सकती है। अब गन्नों को चीनी मिल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रकों का प्रयोग किया जाने लगा है। इन उपरोक्त दो कारकों के अलावा पूंजी की उपलब्ध, विपणन की सुविधा, सहज और सस्ते मजदूरों का मिलना और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा की उपलब्ध इत्यादि कारक जो चीनी मिलों के स्थानीयकरण को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों से चीनी उद्योग के भारत में पर्यायद्वीपीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने के कारण पिछले कुछ समय से चीनी उद्योग को क्रमिक रूप से धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से हटाकर भारतीय पर्यायद्वीपीय के राज्यों में हस्तांतरण हो रहा है। इसके पिछले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पर्यायद्वीपीय भारत में गन्ने की फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तर भारतीय क्षेत्र से अधिक है। वास्तविकता तो यह है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु गन्ने की पैदावार के लिए बहुत अनुकूल होती है। शक्कर सुक्रांत की मात्रा जो गन्ने की मिठास को नियंत्रित करती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल में अपेक्षाकृत अधिक होती है। गन्ने रोपने की अवधि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है। दक्षिण भारत में अधिकांश चीनी मिलों में आधुनिक उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की अधिकांश मिलों को स्वामित्व सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ मुनाफा को अधिक से अधिक करने का ना तो लक्ष्य होता है और ना ही प्रवृत्ति। कृषि आधारित उद्योग कृषि उत्पादनों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। भारत के संगठित क्षेत्र में सूती कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के अधिकांश राज्यों में अवस्थित है।
बहुत बड़ी संख्या में चीनी मिलें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा बिहार राज्य में स्थापित है। खनिज आधारित उद्योग, ये उद्योग में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों में लोहा एवं इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। इंजीनियरिंग, सीमेंट, रासायनिक एवं उपकरण उद्योग भी अधिक आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इसके उत्पादन बहुत से उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होते हैं। भारत में लोहो इस्पात के निर्माण के उद्योग क्रिया बहुत पुराने समय से चली आ रही है, किंतु आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत 1817 में बंगाल के कुटी नामक स्थान पर बंगाल लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। टाटा लोहा एवं इस्पात कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में 1907 में हुई। इसके पश्चात भारतीय लौह एवं इस्पात नियंत्रित की स्थापना 1919 में बेनपुर में हुई। इन तीनों यंत्रों की स्थापना निजी क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम लोहा तथा इस्पात का नियंत्रण इसे अब विश्वसराया लोहा एवं इस्पात कंपनी के नाम से जाना जाता है कि स्थापना भद्रावती में सन 1930 में हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात लोहा एवं इस्पात उद्योग में तीव्रता से प्रगति हुई है। सभी वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। तीन नए एकीकृत नियंत्रण की स्थापना क्रमशः राउरकेला उड़ीसा, मिथिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में की गई। बोर्गो इस्पात नियंत्रण की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सन 1964 में की गई। बोर्गो तथा मिलाई स्थित नियंत्रणों की स्थापना भूतपूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई। इसी प्रकार दुर्गापुर लोहो एवं इस्पात नियंत्रण की स्थापना यूनाइटेड किंगडम पश्चात विशाखापट्टनम और सालेम नियंत्रण की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के समय भारत सीमित मात्रा में कच्चे लोहे तथा इस्पात का निर्माण करता है। सन 1950-51 में भारत में इस्पात का उत्पादन 10 लाख टन था, जो 1998-99 में बढ़ते बढ़ते 238 लाख टन तक पहुंच गया। भारत में प्रमुख लोहे तथा इस्पात नियंत्रण झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में अवस्थित है। इसके अलावा भारत में 200 लघु इस्पात संयंत्रण है जिसकी क्षमता 62 लाख टन प्रतिवर्ष है। लघु इस्पात नियंत्रणों में इस्पात बनने के लिए क्रमिक और पिलोज लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये सारी छोटी इकाइयाँ देश में लोहो तथा इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण घटक है। लोहे तथा इस्पात उद्योग के अधिकांश नियंत्रण भाग के छोटा नागपुर पठार पर अथवा उसके आसपास इसलिए स्थापित हुए है क्योंकि इसी क्षेत्र में लोहे, असमिक कोयला, मैग्नीज, चूना, चूने का पत्थर, डोलोमाइटेड जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की विलुप्त विषय निपेक्ष मिलते हैं। लोहे इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल शक्ति स्वामित्व तथा अवस्थिति की जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है। सारणी 24.2 भारत लोह तथा इस्पात नियंत्रण एवं उसके कच्चे माल के स्रोत कर्मस यंत्रों का के नाम स्थिति स्वामित्व कोयला बिजली लोहे असमके चूने का पत्थर मैगनीज टाटा आयरन एंड स्टील क टिस्को जमशेदपुर निजी क्षेत्र झारिया मयूरगंज क्यूझर सिंहभूमि इंडियन एयर एंड स्टील का इसको बरनपुर सार्वजनिक क्षेत्र जारिया दामोदर घाटी सिंहभूमि मयूरगंज सिक्योझर सिंहभूमि विश्व सेरिया भद्रावती आयरन एंड स्टील का BISL सार्वजनिक क्षेत्र सरस्वती परियोजना कैम मान गुडी भाडी गुंडा चित्रदुर्गा सीमोंगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL।
सार्वजनिक क्षेत्र बोरको झारिया हीराकुंड परियोजना सुंदरगढ़ क्यूझर पुनपानी बड़ा जमादा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL। भलाई सार्वजनिक क्षेत्र करगली कोरबा दली राजगरा नंदिनी बालघट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL। सार्वजनिक क्षेत्र जारिया दामोदर घाटी बोलगीर क्यूझर वीर मित्रपुर सुंदरगढ़ जिला जमादा क्यूझर जिला भारत स्टील BSL। बोकरो सार्वजनिक क्षेत्र जारिया किरुबुल पालामू SSP सीलम सार्वजनिक क्षेत्र नेवली सीलम झीला BSL। विशाखापट्टनम सार्वजनिक क्षेत्र दामोदर घाटी बेल्डिया छत्तीसगढ़ राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बालघाट भारत लौह इस्पात केंद्र चित्र 24.2 भारत लौह एवं इस्पात नियंत्रण कच्चे माल के बारे में जितनी जानकारी सरणी 24.2 में दी गई है उसका मिलियन चित्र 24.2 के साथ भी किया जा सकता है। पेट्रो रासायनिक उद्योग भारत में पेट्रो रासायनिक उद्योग तेजी से वृद्धि करता हुआ उद्योग से इस उद्योग ने देश के पूरे उद्योग जगत में क्रांति ला दी है क्योंकि इसके उत्पादन परंपरागत कच्चे माल जैसे लकड़ी कांच एवं धातु को प्रतिस्थापित करने में अधिक सस्ते और उपयोगी पाए जाते हैं। लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले इस पेट्रो रासायनिक के उत्पादन लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध है। पेट्रो रासायनिक को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। हम पेट्रो रासायनिक से निर्मित विभिन्न वस्तुओं का उपयोग सुबह से शाम तक करते हैं। टूथब्रश टूथपेस्ट कंघी बालों में लगाने वाले हेयर पिन साबुन रखने के डिब्बे प्लास्टिक मग सीथेलिक कपड़े रेडियो और टीवी कवर बाल पोलाइटमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्विच डिटर्जेंट पाउडर लिपस्टिक कीड़े मारने की दवाई प्लास्टिक थैलियाँ फोम के गद्दे तथा चादरें इत्यादि संख्या वस्तुएं पेट्रो रासायनिक से ही बनती है। भारतीय पेट्रो रासायनिक निगम ने बड़ोदरा गुजरात के समीप एक विस्तृत पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को स्थापित किया जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं। बड़ोदरा के अलावा गुजरात राज्य में गंधार वे हजीरा केंद्र से स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र नागथोन केंद्र में पेट्रो रासायनिक उद्योग स्थापित है। भारत पेट्रो रासायनिक पदार्थों के निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भर है। कच्चे तेल को परिष्कृत किए बगैर कोई खास महत्व नहीं है परंतु जब उसे परिष्कृत किया जाता है तो वह खनिज तेल पेट्रोल के रूप में बहुत मूल्यवान बन जाता है। तेल के परिष्करण करते समय हजारों किस्म के पदार्थ मिलते हैं जैसे मिट्टी का तेल पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटर्स और वह पदार्थ जो पेट्रो रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत में इन समय 18 तेल परिकरण शालाएँ हैं। इन तेल परिकरण शालाओं की अवस्थिति इन प्रकार है डिनबोई बोंग आईगांव नूना मोटी तीनों असम राज्य में है। मुंबई महाराष्ट्र में 2 इकाइयां हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बोरानी बिहार राज्य कोयलिनी गुजरात मथुरा उत्तर प्रदेश पानीपत हरियाणा कोची केरल मंगलोर कर्नाटक और चेन्नई तमिलनाडु जमागर गुजरात में स्थित परिष्करण शाला एकमात्र नियंत्रण है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा यह रिलायंस उद्योग लिमिटेड द्वारा लगाया गया है।
उद्योगिक समूह। भारत में औद्योगिक विकास के स्तरों में बहुत अधिक क्षेत्रीय समानताएं हैं, भिन्नताएं हैं। कुछ स्थानों पर भारतीय उद्योग समूह के रूप में केंद्रित हो गए हैं। भारत में अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कुछ प्रमुख बंदरगाहों जैसे कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई एवं विस्ट भाग में इर्द गिर्द क्षेत्रों में जो हो गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रों को सभी सुविधाएं एवं लाभदायक स्थितियां प्राप्त है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धियां, ऊर्जा, पूंजी, विपणन केंद्रों तक अभिज्ञता इत्यादि। कुछ 6 औद्योगिक क्षेत्रों में से 3 बंदरगाहों को विस्ट प्रदेश में ही स्थित है। प्रमुख 6 औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। हुंगली उद्योग क्षेत्र, मुंबई पुणे उद्योग क्षेत्र, अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र, मादुरे कोमड्यूर बेंगलोर क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र। इन उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों के अलावा 15 छोटे औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ 15 औद्योगिक जिले हैं। औद्योगिक आत्मनिर्भरता। औद्योगिक निर्भरता का अर्थ है भारत के लोग औद्योगिक की स्थापना, संचालन और प्रबंधन, देश में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, पूंजी या मशीनरी के पुर्जे जो भारत में ही विनिर्मित किए जाते हैं, उसका उपयोग दक्षता और कुशलता से कर सकते हैं। समर्थन है किसी भी बाहरी देश के किसी भी प्रकार की सहायता पर निर्भर नहीं रहती। भारत ने सन 1956 में एक औद्योगिक नीति का निर्धारण किया, जिसमें मुख्य लक्ष्य थे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, उद्योगों का भी केंद्रीकरण करना, औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय समता को दूर करना तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को विकसित करना इत्यादि। उद्योगों के सुनियोजित विकास के द्वारा आज हम अनेकों प्रकार के औद्योगिक पदार्थों उत्पादनों का निर्माण करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण जो अन्य वस्तुओं को विनिर्मित करने में सहायक होती है। भारत आज भारी मशीनरी और उपकरणों के निर्माण में सक्षम और पूर्णतः स्वावलंबी है। इन निर्मित मशीनों एवं विभिन्न उपकरणों का उपयोग उत्खनन, सिंचाई, ऊर्जा परियोजनाओं, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में होता है। अब भारत में बनी हमारी मशीनरों का उपयोग सीमेंट, वस्त्र, लोहा एवं इस्पात, चीनी उद्योग में करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का औद्योगिक आत्मनिर्भर प्राप्त करने में अमूर्तपूर्ण योगदान रहा है। लोहा एवं इस्पात, रेलवे के उपकरण, पेट्रोलियम, कोयला एवं उर्वरक ऐसे उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही विकास किया गया है। ये उद्योग औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च मूल्य संवर्धन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान आधारित उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, उन्नत प्रकार की मशीनरी, उपकरण निर्माण, दूर संचार के क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था। आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1992 में पूर्व एवं पश्चात स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद प्रथम 40 वर्षों के अंतराल में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विभिन्नता तथा विस्तार आए, परंतु इस वृद्धि में कठोर सरकारी नियंत्रण तथा निर्धारित नियमों का अनुपालन इसी विशेषता रही है। अगस्त 1992 में भारत सरकार ने एक सहायक कदम उठाते हुए भारत की आर्थिक नीतियों पर लगाने वाले सरकारी नियंत्रणों में बदलाव लाया और इन्हें बाजार की शक्तियों के अनुरूप बदलाव लाने का लचीलापन प्रदान किया। निजी पूंजी निवेश तथा संचालन की जिम्मेदारी देते हुए उद्योगों को, चाहे घरेलू अथवा विदेशी संस्था एवं समुदाय को कार्यान्वित और स्थापित करने की छूट प्रदान करने की जरूरत महसूस किया गया। इन सभी सोच विचार का नतीजा एक नई औद्योगिक नीति का निर्धारण करना था, इसके अंतर्गत अगस्त 1992 में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नई नीति को अपनाया गया था। अगस्त 1992 में लिए गए इस नीति निर्णय के पीछे तत्कालीन कारण बकाया भुगतान की अदायगी के संकट पर काबू पाना तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भूगोलिक नीति अर्थ पर नियंत्रण प्राप्त करना था। उदारीकरण का अर्थ
एक तो सरकारी नियंत्रण में कमी लाना, दूसरा उस उदार दृष्टिकोण से है जिसके अंदर बाजार को मौजूद प्रतिस्पर्धा युक्त शक्तियों के रूप अनुरूप आर्थिक नीतियों में लचीलापन लाना। इससे सरकार की उदार प्रवृत्ति के तहत निजीकरण को प्रोत्साहित करने का इरादा भी उजागर होता है। इन उदारीकरण नीतियों में उद्योग की स्थापना एवं संचालन जो 1992 के पहले के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों पर ही निर्भर थे में निजी संस्थाओं में भी जिम्मेदारी भागीदारी के अवसर प्रदान किए। इस उदारीकरण को भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राप्त तमाम कमियों को अचूक रामबाण माना गया, परंतु लगातार 15 वर्षों तक इस उदारीकरण की नीति का अनुसरण करते हुए जो परिणाम उपलब्ध हुए वे हैं इतने अच्छे नहीं हैं। धनवान और निर्धन संपन्न विभिन्न के बीच खाई अब और बढ़ गई। व्यापक खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन में अपेक्षाओं के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार रोजगार के अवसरों में अभी अशतीत वृद्धि नहीं हुई। निजीकरण के स्वामित्व का हस्तांतरण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में निजी संस्थाओं व्यक्ति समूह के हाथों में आ जाता है तथा अधिक से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को भी निजी पूंजी और प्रबंधन को सौंपा जाता है। निजीकरण का मुख्य उद्देश्य निजी संसाधनों का लागू को के सामूहिक कल्याण के लिए प्रयोग करना। वर्तमान चरण में वैश्विक अर्थ विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था में एकीकृत संबंधों को बढ़ाने से है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक समानता के विभिन्न देशों के बीच व्यापार के तहत वस्तुओं व्यक्तियों सेवाओं के आदान प्रदान पूंजी निवेश प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करके दूर किया गया। वैश्वीकरण ने लोगों के रहन सहन जीवन के स्तर एवं जीवन शैली तथा वस्तुओं के उपयोग प्रतिमानों एवं महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आज पूरा का पूरा विश्व एक विपणन का व्यापक केंद्र जैसा लगने लगा है। वैश्वीकरण ने हमारे नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं को भी प्रभावित किया है। आपने क्या सीखा? प्राकृतिक संसाधनों को अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए आपको संधित करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि का सीधा संबंध उस देश में हो रहे औद्योगिक विकास के स्तर से सीधा जुड़ा होता है। भारत में नवीनीकरण उद्योग को देश के सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी का 5% के रूप में पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से आर्थिक नीतियों में सुधार के बाद वाले वर्षों में बढ़ता रहा। स्वतंत्रता पूर्व भारत औद्योगिक रूप से कम विकसित था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वाले वर्षों में भारत को सुनियोजित ढंग से औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए अपनी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व स्थान दिया गया और आज भारत विभिन्न विनिर्माण वस्तुओं का निर्यात विश्व के विभिन्न देशों को कर रहा है। उद्योग को इसमें प्रयोग होने वाले कच्चे माल के स्रोत प्रमुख कार्य उद्योग के आकार तब कच्चे और तैयार माल के भार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत चूंकि अभी भी एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, जूट के कपड़े के उद्योग एवं चीनी उद्योग इत्यादि विकसित हो गए हैं। भारत के संगठित क्षेत्र के उद्योग में सूती वस्त्र निर्माण उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में विपुल खनिज भंडार है। अंत भारत में खनिजों पर आधारित बहुत सी औद्योगिक इकाइयां विकसित हुई है, जैसे लोह एवं इस्पात उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, ऑटोमोबाइल, रासायनिक उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग आदि इत्यादि। भारत सरकार ने ऐसी औद्योगिक नीतियों का निर्धारण किया था जिसके कारण भारत उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबी हो सका। उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण को प्रोत्साहन देने से विदेशी पूंजी निवेश के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को भारत में लाने में बहुत सहायता प्राप्त हुई है। निजी उद्योगों को उद्योगों के बेहतर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करने से उद्योग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा युक्त तीव्र प्रगति भी हुई है। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।